आवारा पशुओं की समस्या हमीरपुर जिला में दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है और समस्या का निदान न होने से लोग दुखी हैं। पहले आवारा पशु खेतों खलियानों में ही दिखते थे, लेकिन अब पशुओं का जमावड़ा भी सड़क पर होने से आए दिन दुर्घटना का अंदेशा बना हुआ है। खासकर जाहू मंडी मार्ग पर मुंडकर के पास पिछले कुछ समय से आवारा पशुओं के झुंड बीच सड़क पर खड़े रहते हैं, जिससे वाहनों की आवाजाही प्रभावित होती है। जाहू के पास आवारा पशुओं की तादाद में हुई बढ़ोतरी से आम जनता के साथ साथ अब वाहन चालकों के लिए भी यह आवारा पशु परेशानी का सबब बन रहे हैं, क्योंकि बीच सड़क पर स्पीड में आ रहे वाहनों के लिए अचानक रुकना मुनासिब नहीं होता, जिस कारण वाहनों के चालकों को दुर्घटना का भय बना रहता है। वाहन चालकों का कहना है कि अक्सर बीच सड़क पर पशुओं के खड़े रहने से कभी कभार हादसा हो सकता है। हर दिन बीच सड़क पर ही पशु खड़े रहते हैं। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि प्रशासन को चाहिए कि इस समस्या से निजात दिलाई जाए, ताकि कोई बड़ा हादसा ना हो। किसी का भी एक्सीडेंट हो सकता है यहाँ पे, और सारा रास्ता रुका पड़ा है। तो आप डेली यहाँ से जाते हैं? हर रोज ही से जाते आते हैं, पर बच के ही निकलते हैं यहाँ से। पशुओं को आवारा पशुओं को साइड पे हटाया जाए, रोड साफ हो, परेशानी है और दुर्घटना हो रही है रोज के रोज। इसलिए प्रशासन यही है कि पशुओं को कहीं साइड पे ले जाओ या कहीं गौशाला ले जाओ, कोई ना कोई का साधन निकालो। हम तो ही कह सकते बस रोज हमारा चक्कर है कुल्लू मनाली का ही है। इसी रोड से जान रहे हैं, पशु इतने तंग करते हैं कि कई बार एक्सीडेंट होने से बच जाता है, और कई बार एक्सीडेंट हो भी जाता है, कई दुर्घटनाएं भी हुई यहाँ पर। ना कोई हटाता है इसको, ना ही कोई गौर करता है इस बात पर। हम गाड़ियों वालों को बहुत परेशानी परेशान करते हैं कि अभी देखो इतने पशु खड़े यहाँ पर, बड़ी मुश्किल है गाड़ी डाउन की, इतनी तरह की आई, ब्रेक लगे ना लगे, आगे कुछ दुर्घटना हो जाए,